नक्सलवादी मुखबिरी के शक में आम लोगों की हत्या कर रहे हैं। इस वजह से नक्सलवादियों में आपस में झगड़े बढ़ गए हैं। नक्सलवादियों का एक समूह आम लोगों को मारने के खिलाफ है। इसके चलते कुछ नक्सलियों ने अपने ही साथी डीबीसी कमांडर दिनेश मोडियाम की हत्या कर दी है। पिछले एक माह से नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर लगातार ग्रामीणों की हत्या की। नक्सलवादियों की इन कार्रवाइयों से उनका ही एक धड़ा असहमत होने के साथ ही नाराज भी था। नक्सलियों के एक धड़े ने इसी बात को लेकर डीवीसी कमांडर दिनेश मोडियम की गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सली संगठन में ये पहली घटना है जब निचले कैडर ने अपने ही कमांडर की हत्या की हो। मोडियम 8 लाख का इनामी कमांडर था। यह आपसी द्वंद्व खूनी रूप लेकर नक्सलवाद की एक नई इबारत लिखने की दिशा में आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जिला बीजापुर में नक्सल गतिविधि संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सीपीआई माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन की गंगलूर एरिया कमेटी इंचार्ज डिविजनल कमेटी मेंबर मोडियम विजा को उनके अधीनस्थ स्थानीय कैडर्स द्वारा गोली मारकर हत्या करने की जानकारी अभी सामने आ रहा है। पुलिस के पास प्राप्त जानकारी अनुसार मोडियामी विजा द्वारा उनके अधीनस्थ स्थानीय कैडर्स को निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या करने का टारगेट दी गई। इस बात को विरोध करते हुए स्थानीय कैडर्स और मोडियामी विजा के बीच में काफी वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। तत्पश्चात स्थानीय कैडर्स द्वारा खुद अपना सीनियर कैडर डिविजनल कमेटी मेंबर मोडियामी विजा को गोली मारकर हत्या कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से बैकफुट पर आए नक्सली बस्तर में अब लगातार ग्रामीणों को मौत के घाट उतार रहे हैं। अपनी साख को कमजोर होते देख नक्सली ग्रामीणों के बीच अपनी दहशत कायम करने के लिए लोगों को मार रहे हैं। बीजापुर में इसी तरह की दो अलग अलग घटनाओं में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिसके बाद ये ताजा घटनाक्रम हुआ। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।